दोस्तों, आज हमारे पास जियो एयर फाइबर लगे हुए 1 महीना हो चुका है, आई थिंक ऑलमोस्ट होने वाला है। और जियो एयर फाइबर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मैं पिछले कई सारे वीडियो में आपको इसकी हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताया, आज मैं आपको इसमें बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, लोग बोलते हैं यहाँ पे जब भी रेड लाइट आएगा आपका इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आप अभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिएगा आपको, जो ये मेरा 4G फ़ोन है और इसमें जो नेटवर्क है वो अभी 1 या 2 पॉइंट मिलते हैं, और मेरे गांव में ही इनका टावर लगा हुआ है। जब भी गांव का नेटवर्क अगर इनका चालू रहेगा, सब फुल नेटवर्क मुझे मिलता है। सो यहाँ पे अभी मेरा जो नेटवर्क है पानी गिरने की वजह से ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने के बाद यहाँ जो जियो एयर फाइबर है वो भी मेरा बंद हो गया। सो यहाँ पर हमने चेक किया कि हमारे फ़ोन के नेटवर्क भी कम हो गए, तब हमने तुरंत हमारे जियो एयर फाइबर को चेक किया तो उसमें भी इंटरनेट बंद है। मतलब हमारे गांव में 5G नेटवर्क जो है वो अभी बंद हो चुका है, 4G जो टावर है वो बंद हो चुका है। सो दूसरी जगह से हमें 4G मिल रहा है, इस टावर को भी 4G मिल रहा है, जियो एयर फाइबर को भी 4G मिल रहा है, बट वो नहीं चल रहा है 4G नेटवर्क पे। वो 5G नेटवर्क पर ही काम करेगा क्योंकि 4G नेटवर्क पे नहीं मिल रहा है। अगर मुझे घर के अंदर 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो इसका एंटीना तो घर के छत पे लगा हुआ है, वहाँ तो इसको फुल नेटवर्क मिलना चाहिए, चाहे वो आसपास गड़ोस या सिटी के किसी भी टावर से नेटवर्क ले रहा है तो 4G का नेटवर्क ले रहा है, 5G का नहीं। सो मेरा जियो एयर फाइबर ग्रीन लाइट दिखाने के बावजूद भी यहाँ पे बंद है इंटरनेट, और मैं आपको अभी यहाँ लाइव दिखा देता हूँ। ये मैंने मेरा मोबाइल इंटरनेट बंद किया, ये मैंने अपना जियो एयर फाइबर से कनेक्ट किया। अब अगर अपन स्पीड चेक करते हैं तो स्पीड वाला जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है। अगर हम यूट्यूब वगैरह को भी स्क्रॉल करेंगे तो वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करने के लिए ट्राई करता हूँ। सो यूट्यूब भी मेरा काम नहीं कर रहा है, देखिए ये कम्प्लीटली पूरा बंद है। अब यहाँ एक बार जियो एयर फाइबर पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए नो इंटरनेट शो कर रहा है। सेम 5G 5 GHz से ये तो इस पर भी शो कर रहा है, और सेम मेरा स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड टीवी उस पर भी जियो एयर फाइबर है जो कि कनेक्टेड है। इसके नीचे ये जो शाओमी 4G लिखा है ये एक्सटेंड किया हुआ है मैंने जियो एयर फाइबर को, जिसका मोडेम नीचे लगा हुआ है राउटर, सो उसका नेटवर्क भी यहाँ तक आता है, तो ये उसका नेटवर्क है, हमें जियो एयर फाइबर है। सो ये कनेक्टेड होने के बाद भी नो इंटरनेट है। सो मैंने इनके जो सेल्स पर्सन थे, टेक्नीशियन या कस्टमर केयर पर कॉल नहीं किया, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया था, और ये मैंने उनको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमारे यहाँ पे टावर बंद होता है 5G का, या गांव का टावर बंद होता है उस कंडीशन में क्या रहेगा। सो उन्होंने बोला था जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है हमें कांटेक्ट करिए। सो मैंने अभी उन्हें कांटेक्ट किया था, बहुत अच्छे इंसान है, शर्मा जी करके है, उदानीद नाम है उनका, उज्जैन के हैं वो। सो उन्होंने किसी नेटवर्क टीम से बात की मेरे कॉल को कॉन्फ्रेंस में लेके। सो उन्होंने 10 मिनट का टाइम लिया कि हम चेक करके बताते हैं। सो उनकी नेटवर्क टीम की तरफ से कन्फर्मेशन आया कि पानी गिरने की वजह से जो उनका लिंक है वो आगे से ही बंद है। सो 30 मिनट्स में वो लाइव हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। सो ऐसा नहीं है कि इनका नेटवर्क अच्छा नहीं है, नेटवर्क अच्छा है, काफ़ी दिन से मैं चला रहा हूँ, पर हाँ आज बंद हुआ है। मतलब मेरे गांव का टावर अगर बंद हुआ सो मेरा 5G सर्विस बंद हो जाएगा, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ है अभी आप देख रहे हैं, तो अगर आप जियो एयर फाइबर खरीद रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके गांव का जो टावर है वो बहुत ज़्यादा अगर बंद हो रहा है बार बार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन तीन की वेन्यू नहीं होती है, सो इतना ही पावर बैकअप वगैरह रखते नहीं है, तो बंद हो जाता है। और उनका एक ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्र का है, सिटी क्षेत्र का होता तो बंद नहीं करते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में जब ज़्यादा आंधी या तूफान टाइप होता है तब हम बंद कर देते हैं। सो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो, ऐसा इसका ध्यान रख कर ही जियो एयर फाइबर बुक करिए। अगर आप जियो एयर फाइबर बुक कर रहे हैं और आपके गांव में बार बार लाइट जाने की समस्या रहती है, सो दोस्तों आप भूल कर भी जियो एयर फाइबर फिर मत खरीदिएगा, क्योंकि फिर वहाँ तकलीफ हो सकती है आपको। बढ़ा अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए इसे आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आज पिछले 20-22 दिन में पहली बार हमारा इंटरनेट कनेक्शन कुछ टाइम के लिए अभी बंद है। सो बस दोस्तों यही है वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन और अच्छा लगा हो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो मुझे इंटरनेट मिला है 5,400 रुपये के आसपास 6 मंथ की प्लान के साथ सब्सक्रिप्शन के मिला, जिसमें 1,000 रुपये का इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट या इंस्टॉलेशन चार्ज
होता है। अगर आप 8,000 वाला प्लान लेते हैं साल भर का, सो उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। प्लस अभी 6 मंथ वाला पेमेंट अगर आप करते हैं तो 15 दिन की एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है, और अगर आप साल भर वाला खरीदते हैं तो 50 दिन की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों बुक करिएगा, सारी कंडीशंस पढ़ने के बाद ही बुक करिए, क्योंकि मुझे एक कंडीशन में दिक्कत आया था। उन्होंने बताया था 5G नेटवर्क में सिम होना चाहिए आपका, जिससे आप बुकिंग करते हो तो आपको 50 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। कनेक्शन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उन्होंने बाद में बताया कि आपका सिम 5G में ही लगा होना चाहिए। सो कुछ गलती होती है इन लोगों से भी, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।